everyone, welcome back to our channel Trust City Property Guru. मैं हूँ आपकी होस्ट तरन्नुम एंड आज मैं हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जहाँ पे आज मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट ओवरव्यू करने वाली हूँ, एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ जिसका नाम है प्रेस्टीज टावर। अंदर लेके जाने से पहले, डिटेल्स बताने से पहले, हम सबसे पहले उस इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं जो हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं जब भी हम कहीं घर खरीदने जाते हैं, वो है आपका लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। तो गाइस, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है आपके मोहाली के सेक्टर 74A में एंड कनेक्टेड है आपके बहुत सारे मेजर हाईवेज के साथ। आपका एयरपोर्ट रोड आ जाता है जो आपका PR7 रोड है, आपका PR6 रोड आ जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो PR6 जो आपका रोड है उसके ऊपर ये बेसिकली लोकेटेड है आज का हमारा प्रोजेक्ट। तो कनेक्टिविटी आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड जो आपका PR6 रोड रहेगा वो आपको कनेक्ट करेगा आगे खरल लांड्रा हाईवे के साथ। तो मतलब आपको कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। आपको कहीं के लिए भी एक्सेस करना हो, किसी भी स्टेट में जाना हो, आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइज, अब हम चेकआउट करेंगे हमारे आज के प्रोजेक्ट का मेन गेट। तो गाइज, ये रहने वाला है आपके प्रोजेक्ट का मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट, जिसमें आप देख ही सकते हैं कि गार्ड्स अभी से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। तो आपको गार्ड्स मिल ही रहे हैं गाइज, अगर कोई भी आपको विजिट करने के लिए आता है आपकी परमिशन के बिना वो अंदर एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद आपको पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे CCTV कैमराज इंस्टॉल मिलेंगे। आपको अपने अपार्टमेंट को छोड़ के कुछ दिन के लिए कहीं जाना भी हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, आपका अपार्टमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे रहने वाला है। तो आइए अब चलते हैं अंदर एंड प्रोजेक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, आइए। सो गाइस, अभी मैं गेट के अंदर आ चुकी हूँ, आप पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मेरे पीछे देख सकते हैं। एंड गाइस, हम आपके लिए स्लाइड आपका जो वीडियो का डाल देंगे जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होने के बाद आपको किस तरीके से दिखने वाला है। उसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है आपकी अमेनिटीज़। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। गाइस, यहाँ पे आपको 2 और 3 फास्ट रहने वाले हैं, आपके क्लब हाउस आ जाएगा, आपका स्पोर्ट्स एरिना यहाँ पे रहने वाला है जिसमें आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स के स्पेसेस मिल जाएंगे, योर बास्केटबॉल, योर क्रिकेट पिच एक्सेट्रा। एंड आफ्टर दैट, ये जो आप मेरे पीछे का एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका कंप्लीट पार्क आने वाला है एंड आपका किड्स प्ले एरिया रहने वाला है। तो गाइस, काफ़ी सारे अमेनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को अपना एक हेल्दी एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए होती हैं। तो आइए चलते हैं आगे एंड प्रोजेक्ट को और ज़्यादा देखते हैं, आइए। सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट आपकी ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 4 एकड़ की टाउनशिप जिसमें आपका कंप्लीट MY1 कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जा रहा है, जो आपका काफ़ी अच्छा भी रहता है एंड काफ़ी ट्रेंड में भी है आजकल। बात करूँगी पूरे प्रोजेक्ट की तो यहाँ पे आपको 5 टावर्स मिल रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेंट्री जो रहने वाली हैं वो है आपका 3 BHK। कंसेप्ट की बात करूँगी तो आपका स्टिल्ट प्लस 17 का कंसेप्ट आ जाएगा। पार्किंग की बात करेंगे तो 2 पार्किंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी, एक रहेगी आपकी स्टिल्ट में एंड एक आपका बेसमेंट रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एंट्री आ जाएगी आपकी पूरी बेसमेंट पार्किंग के लिए, तो आप वहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं, स्टिल्ट भी आपके पास प्रोवाइडेड है। एंड गाइस, एक बार ना मैं आपको स्टिल्ट दिखाना भी चाहूँगी, आप देखिए हाइट देखिए पहले आप स्टिल्ट की, कितनी ज़्यादा अच्छी हाइट के साथ आपको ये स्टिल्ट मिल रही है जहाँ पे आप अपने व्हीकल्स पार्क कर सकते हैं। सो गाइस, आफ्टर दिस स्टिल्ट पूरा प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि कितने टावर्स रहेंगे, कितने एकड़ का आपका टाउनशिप है। तो अब चलेंगे हम हमारे अपार्टमेंट में, जो आपको एक्चुअल अपार्टमेंट मैं दिखाने वाली हूँ, तो आइए। सो गाइस, दिस विल बी द एक्चुअल लॉबी एरिया ऑफ योर अपार्टमेंट। एक फ्लोर पे आपके 4 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, 2 स्टेयरकेस प्रोवाइडेड रहेंगे एंड 2 ही आपको यहाँ पे लिफ्ट भी प्रोवाइडेड रहेगी। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, यहाँ पे ना आपको जो लिफ्ट का साइज मिल रहा है ना, काफ़ी बड़ी लिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो आइए, यहाँ पे रहेगा हमारा अपार्टमेंट एंड अंदर चलते हैं, अपार्टमेंट को चेकआउट करते हैं, आइए।
सो गाइस ये रहेगा हमारा अपार्टमेंट जो आपको मिलने वाला है सेमी फर्निश्ड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके साइज की बात करेंगे तो इसका साइज रहने वाला है आपका 1720 स्क्वायर फीट। तो आइए चलते हैं अंदर। सो जैसे कि आप अंदर एंटर करेंगे वैसे ही आपके पास यहाँ पे आ जाता है काफ़ी बड़ा फॉयर एरिया, और जिसको आप काफ़ी तरीक़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। अपना शू रैक वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं या फिर छोटा मोटा जेस्टर ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ आप पेंटिंग्स लगा सकते हैं अपनी एंट्री पे ही, प्लांट्स लगा सकते हैं, लाइक बहुत सारे तरीके हैं आप एंट्री को ही अपने काफ़ी ब्यूटीफुल बना सकते हो। एंड गाइस अगर मैं यहाँ से इस तरह से को एंटर करूँगी यहाँ पे आ जाता है आपका ड्राइंग डाइनिंग किचन एंड योर टू बेडरूम्स। एंड इस तरफ रहने वाला है हमारा थर्ड बेडरूम, जिसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस इसकी ना एक प्लस पॉइंट है, अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपना पूरा ये क्लोज कर देते हैं ना, आपके पास दो बेडरूम्स बच जाते हैं। एंड ये वाला जो बेडरूम है इसको आप रेंट आउट कर सकते हैं विद वॉशरूम है, इसमें भी आपको कबर्ड्स वगैरह सब मिलने वाला है। तो आइए पहले ये वाला रूम हम चेकआउट करेंगे, फिर हम अपने ड्राइंग डाइनिंग की तरफ जाएंगे। आइए सो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम, योर गेस्ट बेडरूम आप इसको बोल सकते हैं, रेंट आउट भी कर सकते हैं जिस मैंने आपको पहले बताया। स्पेस देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, काफ़ी स्पेशियस रूम आपका रहेगा जिसमें फ्लोरिंग आपकी सारी विट्रीफाइड रहने वाली है। टाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी आपको यहाँ पे, पूरा फैन देख रहे हैं एज इट इज़ आपको पूरे घर में मिलने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएंगे आपकी कबर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था सेमी फर्निश्ड रहने वाला है, तो ये कबर्ड जो है वो आपके एज इट इज़ रहेंगे। स्पेस देख लीजिए, कबर्ड का लेआउट काफ़ी अच्छा दिया गया है, आपका जितना मर्जी स्टफ हो, जितना मर्जी आपके बाहरी कपड़े हो, कैजुअल वेयर हो, सारा यहाँ पे फिट कर सकते हैं इजीली। एंड आफ्टर देयर यहाँ पे आपका जो वॉशरूम है वो भी इसके साथ अटैच रहेगा, जहाँ पे आपका सारा ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाला है। गीजर आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद द परचेज, फ्लोरिंग आप देखेंगे सारी एंटीसिट रहने वाली हैं। एंड वॉल लेंथ में भी जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पूरा टाइल वर्क हो रखा है, आपका शार, आपका यहाँ पे टैप्स, मतलब सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ पर विंडो भी देख सकते हैं फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन, ये भी आपकी एज इट इज रहने वाली है। एंड आफ्टर दैट यहाँ आ जाएगी आपकी बालकनी के लिए एरिया। गाइस इसमें ना फर्स्ट फ्लोर में एंड बाकी फ्लोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बालकनी में, जो मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ, पहले आपको क्लियर हो जाएगा। आइए तो गाइस आपकी फर्स्ट फ्लोर के अलावा जितनी भी बालकनीज रहेंगी, जितने भी फ्लोर्स रहेंगे वो यहाँ तक रहेंगी, जो स्पेस रहेगा आपका बालकनी का वो यहाँ तक रहेगा। बट आपका जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा उसके लिए ये वाला जो आप इतना स्पेस यहाँ पे देख रहे हैं ये भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आपके फर्स्ट फ्लोर की बालकनी जो है वो बहुत स्पेशियस होने वाली है। लाइक इतना स्पेस रहेगा कि आप छोटा मोटा जितना भी अपना काम होते हैं वो आप बाहर कर सकते हैं, इसको अगर कवर करना चाहें वो आप कर सकते हैं, प्लांटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, छोटा मोटा गेट टुगेदर आपके घर पे हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक इतना ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो गाइज अब हम अपना गेस्ट रूम चेकआउट कर चुके हैं, नाउ हियर कम्स योर ड्राइंग एंड योर डाइनिंग स्पेस। पहले आप स्पेस देखिए, कितना ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, अपना ड्राइंग स्पेस एंड डाइनिंग स्पेस आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको प्रोवाइडेड रहेगा। टाइलिंग आप यहाँ पे पूरी देख सकते हैं, विट्रीफाइड टाइलिंग आपको प्रोवाइड रहेगी। एंड गाइस फॉर द सिक्योरिटी पर्पज मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके पूरे ही घर में फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है, इन केस कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई कुछ भी चीज़ हो जाती है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं यहाँ पे। ये आपको काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। आपकी ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ भी यहाँ पे बालकनी अटैच रहेगी, जो मैंने आपको दूसरे रूम से दिखाई है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। एंड यहाँ से बिल्कुल अटैच आपका किचन रहने वाला है, जो आपको फुली मॉड्यूलर मिलने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे फिटिंग्स देख सकते हैं। ये रहेगा आपका कुकिंग काउंटर, यहाँ पे आपके सिंक्स आ जाएंगे, ऊपर के कैबिनेट्स आप देख सकते हैं जिनमें लिटल आपका ग्लास वर्क भी यूज़ किया गया है। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो किचन है उसमें आपका आर ओ
चिमनी हॉब एंड आपका माइक्रोवेव ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा जो आपको विद द परचेज मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको सेमी फर्निश में ये चीज़ मिल रही है यहाँ पे, जो कि बहुत सारे लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, नाम का ही सेमी फर्निश्ड होता है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, मतलब एक्चुअल में ये अपार्टमेंट आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है। इसके साथ ही आपकी बालकनी अटैच आ जाएगी। सो गाइज, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सारा आपकी किचन के साथ कनेक्टेड रहने वाला है फर्स्ट फ्लोर के लिए, जिसको आप मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी टैप्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड रहेगा, तो आप इसको अपना यूटिलिटी सेक्शन भी बना सकते हैं, अपना वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारा किचन। नाउ वी आर ऑल डन विद आवर आउटर पार्ट्स लाइक आवर ड्राइंग, डाइनिंग एंड आवर किचन। अब चलेंगे रूम्स की तरफ। फर्स्ट बेडरूम मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जैसे ही हमने एंटर किया था आपका गेस्ट बेडरूम। आपके दो बेडरूम्स यहाँ पे रहने वाले हैं, तो पहले हम ये वाला चेकआउट करेंगे, आइए। सो गाइस, ये आ जाएगा हमारे घर का सेकेंड बेडरूम। स्पेस देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। आप बेड लगाएंगे अपना यहाँ पे, उसके बाद भी आपके पास इतना स्पेस बच जाएगा कि आप अपना काउच या फिर चेयर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, स्टडी टेबल अपना बना सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है ये, अगर आपके रूम इतना ज़्यादा स्पेशियस हो। इसमें भी आपके कवर्स आ जाएंगे, देख लीजिए काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ मिल जाएंगे आपको कवर्स। लेआउट भी देख लीजिए, एंड गाइस, इस बेडरूम के साथ भी आपका जो बालकनी है एंड योर वॉशरूम अटैच आएगा। सो गाइस, ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम में, जो इसके बिल्कुल साथ रहने वाला है। पहले स्पेस देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे रूम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपका फ्लोरिंग जो है वो टाइलिंग प्रोवाइड की जाएंगी आपको। स्पेस की अगर मैं बात करूँ, बेड आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद भी आपके पास काफ़ी सारा फर्नीचर ऐड करने के लिए स्पेस बच जाएगा यहाँ पे। इसके साथ भी आपका जो बालकनी है वो भी कनेक्टेड रहेगा, आपका वॉशरूम भी कनेक्टेड रहेगा, बिल्कुल प्राइवेट वॉशरूम प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएंगे आपकी कबर्ड्स, देख लीजिए काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ मिलने वाले हैं, एंड लेआउट भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा आपको। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ रहेगा आपका वॉशरूम, तो आइए वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। पहले तो गाइस, वॉशरूम का साइज़ देख लीजिए, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ये। पूरी आपकी जितनी भी यहाँ पे फिटिंग्स रहेंगी, सारी आपकी ब्रांडेड रहने वाली हैं। जैसे कि आप ये शार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, टैप्स आ जाएंगे आपके, सीट है, यू बेसिन, एंड यहाँ पे गीज़र हम आपको लगा के देंगे, जो आपको विद द परचेज इंक्लूड रहेगा। एंड यहाँ पे भी आपका काफ़ी बड़ा विंडो प्रोवाइडेड रहेगा फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। एंड इसकी आपकी सारी फ्लोरिंग रहने वाली है, एंड फुल वॉल लेंथ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा टाइलिंग प्रोवाइड आपको किया जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा थर्ड बेडरूम। इसी के साथ आज के हमारे 3 BHK अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट होता है, जिसमें आपको 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम एंड 4 बालकनीज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो गाइस, आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा? कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है आपकी, एमिनिटीज़ आपको पूरी प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पोजीशन के बारे में भी बताया था कि आपको 3 to 6 मंथ में आपका पोजीशन मिल जाएगा, अगर आप जल्दी लेना चाहते हैं अपना अपार्टमेंट, तो वो भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगी। तो इन केस आप इस फ्लैट को विज़िट करना चाहते हैं, के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम जो है वो आपको असिस्ट करेगी, आपका विजिट प्लान करेगी, आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।